नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे वास्तु दोष के बारे में, यदि आपके घर में है या मकान बनाते समय आपसे भी वह गलती हुई है तो निश्चित रूप से वह दोष आपके घर की सुख शांति को, धन संपत्ति को नष्ट कर देगा। साथियों, घर का ईशान कोण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे हमारे धर्मशास्त्रों में ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से, वास्तु के दृष्टिकोण से इस कोने में क्या क्या वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखना होता है, यह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ईशान कोण में दैविक शक्तियों का निवास माना जाता है। यदि आपके घर के ईशान कोण में टॉयलेट है, बाथरूम है, नहाने धोने की जगह है, स्नानागार है, तो निश्चित रूप से यह आपके व्यापार के लिए, धन के लिए और स्वास्थ्य के लिए तीनों को नष्ट कर देगा। ईशान कोण में यदि आपके घर की टूटी फूटी वस्तुएं, जो पुराना स्कूटर है, पुरानी वस्तुएं हैं, कोई भी खंडित सामान है, किसी भी प्रकार की पुरानी और बिगड़ी हुई मशीनरी है, अगर इस प्रकार का सामान भी ईशान कोण में वहाँ पर उसका ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए यह देर सवेर आपके स्वास्थ्य को, आपकी घर की शांति को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही साथ में साथियों, ईशान कोण में भूलकर भी वहाँ का जो स्थान है, घर का जो ईशान वाला कोना है, वह दबा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरा जो आपका प्लॉट है, आपका जो मकान है, जो भी बिल्डिंग है, अन्य जो कोण है वह थोड़े थोड़े उभरे हुए हैं और ईशान वाला कोना अगर थोड़ा सा भी दबा हुआ है तो आपकी बुद्धि को और आपके धन को हमेशा के लिए दबा देगा। ईशान कोण में देवी देवताओं का स्थान होना चाहिए, आपकी साधना के लिए वहाँ पर स्थान होना चाहिए, वहाँ पर सुगंधित पुष्प या घर की कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं वह होनी चाहिए, आपकी तिजोरी होनी चाहिए, ईशान कोण में देवी देवताओं के चित्र, फ्रेम, फोटो आदि होने चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार का भी खंडित सामान, किसी प्रकार की भी अशुद्धता, मदिरा आदि ऐसे पदार्थ जो तामसिक हैं वह कदापि नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से साथियों इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वास्तु के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं अपने YouTube चैनल पर आता रहूँगा। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।